इस समारोह के ऑर्गेनाइज करने वाले लीडर और असली जेडीयू के लीडर दो जेडीयू हो गए हैं आप शरद यादव जी। अरे आप जेडीयू जेडीयू बात करते हैं आपस में, शरद यादव दो जेडीयू हो गए हैं, एक जेडीयू शरद यादव जी के नेतृत्व में स्वतंत्र और दूसरा बीजेपी जेडीयू और वह है बिहार। आप उनको जेडीयू कहने का कोई हक नहीं है, बीजेपी में सर के बल घुसे टांगे भी नजर पाओ भी नजर नहीं आ रहे हैं। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, यहाँ सभी पार्टी के नेता हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव जी, यहाँ सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दोनों मौजूद हैं, यहाँ प्रकाश अम्बेडकर साहब हमारे अम्बेडकर जी के पोते हमारे पास मौजूद है, सबका एमपी रहे हैं, यहाँ मरणी साहब है, अपना मरणी साहब है, यहाँ हमारे बीएसपी के वीर सिंह जी पार्लियामेंट में जी मौजूद है और सभी पार्टी के दलों के यहाँ मौजूद लीडर और इतनी सारे जगह जगह छाए हुए मेरे साथियों पत्रकारों बहुत बोलने वाले, इसलिए मैं पार्लियामेंट की तरह लंबी घंटे तकरीर नहीं करूंगा, भाषण नहीं करूंगा, संक्षेप में बोलने वाला हूं मैं। जो आज का सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय शरद यादव जी को, जनाब अनवर जी अंसारी साहब को, वीरेंद्र कुमार जी को, इन तीनों दीगर बीजेपी का रास्ता छोड़कर उन्होंने सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया है। तीन एमपीओ में बेटी मैं आपकी तरफ से और हम जितने भी यहां बैठे और आपकी तरफ से जो बोल नहीं सकते इनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसे समय आता जब सब छोड़ छोड़ सब छोड़ के कुछ दुश्मनों के पीछे चलना होगा। मैं अभी आजादी की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही और उससे इसी दौरान इसी हफ्ते में पार्लियामेंट के अंदर भारत छोड़ो की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही, उसमें चर्चा की गांधी से लेकर नेहरू मगन आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर नीचे बैठकर और सब जितने भी लीडर और हजार लाख हिंदुस्तान के लोग जब उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, नेहरू गांधी खानदान ने अपना घर छोड़ दिया, इंदिरा गांधी चालीस दिन हुए थे, 40 दिन हुए थे शादी को लेकर दोनों पति पत्नी जेल में, महात्मा गांधी ने देश के लिए अपने बदन के कपड़े भी भरे। यहां हमारे देश में ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने सिद्धांतों के लिए देश के लिए कुर्सी को ठुकराया है, बाल बच्चों को ठुकराया है,
आज की जिंदगी में हर एक व्यक्ति मंत्री बनना चाहता, एमपी बनना चाहता, शरद यादव जी को बधाई देता हो, आपने मंत्री बनने की ताकत जो दिया हो उनको। नरेश जी को जब वो बीजेपी में घुसे, उनको यहां की सरकार उनके लोगों के लिए लीडरों के लिए मंत्रिमंडल में दावत दी, तो मंत्रिमंडल में अगर होगा कौन, तो सिर्फ शरद यादव जी होते और कौन है उनके पास। लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में जाने की, कैबिनेट मिनिस्टर की लालच में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांत पे अड़े रहे। और आज का अवसर भी 1942 से कम नहीं, यह आजादी के वो दिन उससे कम नहीं। उन दिनों के हालात के अंग्रेज उससे इंतजार हासिल कर रहा था, लेकिन उस वक्त बीजेपी अंग्रेजों के समर्थक थे। आज अगर अंग्रेज नहीं है, लेकिन उनके समर्थक तो लोग हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। ये जो आज सरकार चलाने वाले और उनके पीछे नागपुर वाले, इन दोनों ने 1942 में क्विट इंडिया में अंग्रेजों का साथ दिया, बल्कि ये कहा कि इन फ्रीडम फाइटर के साथ कैसे निपटना होगा, वो तरकीबें भी इन्होंने अंग्रेजों को दिया। आज बड़े राष्ट्रपति वो लगे, आज अपने आप को वो राष्ट्रवादी मांगे, और ये जो सब उदाहरण है जिनके पुरुष आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज ये सब देशद्रोही हो गए। लेकिन हम पार्लियामेंट में बोले, इस तरह की सभाओं में बोले, कोई अखबार नहीं लिखेगा, कोई टेलीविजन नहीं दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा, बल्कि निर्णय सुरक्षा हुए इनको दोष नहीं देता, जो ये साथी इनको दोष नहीं देता, ये बेचारे जो भी सेंटे सोते ही नहीं है, कवर करते हैं लिखते हैं, इनका एडिटर कार्ड देता, मैं एडिटर को भी दोष नहीं देता क्योंकि उनका मालिक करवा देता, मैं मालिक को भी दोष नहीं देता क्योंकि उन पर सरकार की, बीजेपी सरकार की इनकम टैक्स और ईडी की तलवार 24 घंटे उनकी गर्दन पर लटकी रहती है। कि अगर तुम्हारे चैनल में तुम्हारे अखबार में विपक्ष की कोई बात नहीं दी, तो इनकम टैक्स 24 घंटे तुम्हारे घर के अंदर या फैक्ट्री में घुसा ही देगा। मुझे बताओ, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है? ये हमें 24 घंटे साल तक इमरजेंसी की गालियां दे। अरे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने कोई क्षमा मांगी, लेकिन इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने के लिए जो कैबिनेट फैसला करता, राष्ट्रपति स्फूर्ति देता, यहां तो न कैबिनेट ने न पार्लियामेंट ने न राष्ट्रपति ने आपने स्फूर्ति दी है, लेकिन इमरजेंसी लग रही है, चल रही है। ये इमरजेंसी का आप बात नहीं कर सकते, सड़क पर आप दुकान पर बात नहीं कर सकते कि पता नहीं कहां सरकार को पता चले। टॉयलेट में भी इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है कि शायद यही आगे कोई बात करेगा, ऐसी दिखते आज है हमारे कोई डेमोक्रेसी नहीं। हमारे मेरे अखबार वाले भी बात पूछ रहे थे, टेलीविजन वाले, क्या क्लियर के लोग सुरक्षित नहीं है सरकार? मैंने कहा तुमने आधा ही कहा, अक्लियर बिचारे तो हमेशा ही अपने आप को अल्पसंख्यक असुरक्षित गैर महफूज समझते थे,
लेकिन निर्मला तो यह है कि आज इस देश का सेकुलर हिंदू सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ये जो लड़ाई लड़ रहा है सेकुलर हिंदू तरीके से लड़ रहा सड़क पर लड़ रहा ना कि माई नेम के लिए नाम पर लड़ रहा वो सेकुलर हिंदू लेकिन वो भी सहमा हुआ है डरा हुआ है कब परिवार सब परिवार के लोग उसका घर जलाएंगे उसके बच्चे को उठा ले जाएंगे। आज हमारा जो सांझी विरासत हमारा स्कूल में गए हमें स्कूल में कभी मालूम नहीं पड़ा कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन सिख कौन है ईसाई कौन। आज वो सांझी विरासत खतरे में है। आज सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं अक्सरियत और अकलियत का सवाल नहीं हो सके तो अल्पसंख्यक का सवाल नहीं सवाल है कंपोजिट कल्चर को नए संस्करण कर दिया जा रहा कंपोजिट कल्चर और हिंदुस्तान का नाम जो है वो कंपोजिट कल्चर है हमारी आबादी की वजह से हमारे भारत तरीके आया जा रहा हमारे पहाड़ों और दरियाओं और समुद्र की वजह से ही भारत तरीके आया जा रहा हमारी अनेकता में एकता इसलिए भारत जाना जा रहा हमारे कंपोजिट कल्चर के लिए भारत जाना जा रहा हमारे सिंबलिज्म के लिए भारत जाना जा रहा। आज माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से कहते भारत जोड़ो अरे हमको तो महात्मा गांधी ने तो भारत चुनने के लिए आजादी हासिल की कौन सा मुसलमान कौन सा हिंदू कौन सा दिया अपने परिवार संघ परिवार को पढ़ो जो 24 घंटे भारत चुनने का काम करते हैं देता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुन लिया है जिसकी जरूरत है आज देश के कोने कोने में गांव गांव में कस्बे शहर मोहल्ले में 20 लाख के फंक्शन आयोजित करना इन शब्दों के साथ आपका